अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमजद और आज हाजिर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप कोरल ड्रॉ 2020 में ये बी यानी मक्की आप कैसे डिज़ाइन करोगे और इसका शेप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन हसबी रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ये सेट पर कर देता हूँ। ये आप कहेंगे कि यार ये पिक्चर है, ये पिक्चर नहीं है, ये है सारा अलग अलग डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं इस पर ट्राई करता हूँ तो आके आपके लिए ये बना सकूँ। मैं सबसे पहले ये सेट पर कर देता हूँ और यहाँ पर ये एरिया जूम करके तो सबसे पहले आप एक सर्कल ले लें, ठीक इतना सा। इसके बाद शेप टूल लेकर, शेप टूल लेने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप शेप टूल करने के बाद आप इसको कंट्रोल क्यों कर दें, करो कर दें, करो करने के बाद आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए। और उसको थोड़ा सा ज़्यादा घुमा दें, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप दो आइज बना दें, आइज भी आप इस तरह कर ले कि इसको थोड़ा सा आप यहाँ कर दें और इसको यहाँ पर रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद आप यहाँ लगा दें। फिलहाल मैं उसको ब्लैक कर देता हूँ, बाद में उसको मैं डिज़ाइन करूँगा। और यहाँ पर इसको लेके आए और हॉरिजॉन्टली उसको आप यहाँ पर लगा दें, ठीक है। ये उसका हो गया हेड, ठीक है। ये आंखें थोड़ी सी मैं बड़ी कर देता हूँ, इसके साथ साथ मैं बना दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसी हिसाब से, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, आप उसको यहाँ पर लेके आए और उसको हॉरिजॉन्टली कर दें, ठीक है। आप उसको नज़दीक कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर इसकी जो है ना अंदरूनी कलर है येलो, ठीक है, और ये दोनों आंखें इसकी है ब्राउन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसमें सफ़ेद लाइन है, अगर आप चाहें तो इन दोनों से आप आउटलाइन कर दे ख़त्म और उसको कर दे आप थोड़ा सा और इसको कर दे कलर येलो हल्का ब्राउन, उसको भी आप कॉपी ले ले और इसकी भी कलर आप कर दे चेंज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक इस हेड का एक शेप बना रहा हूँ, इस शेप का कलर है थोड़ा सा पिंक कलर, ठीक है, या मैं इसी से कॉपी लेकर इस कलर से और इसको मैं यहाँ यहाँ ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कलर में, ठीक है। अब मैं इन दोनों आंखों को फ्रंट पर लेके आऊँगा और इसको डबल क्लिक करके और पहले मैं उसको छोटा कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, इसका ये बन गया हेड और इसकी आउटलाइन कर दूंगा मैं ब्राउन और थोड़ा सा ये साइज में बढ़ा दूंगा, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको 1.5 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये सफ़ेद लाइन है, ठीक है, तो इसी तरह है कि मैं यहाँ पर इसकी आउटलाइन में कर दूंगा ख़त्म। इसको मैं पहले कंट्रोल क्यों कर दूंगा, कंट्रोल क्यों के साथ और शेप टूल लेकर और यहाँ पर
ठीक। अब ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर दूँगा हॉरिजॉन्टली, उसको मैं थोड़ा सा ये सेंटर में लेके आऊँगा, ठीक। या अब मैं इसकी सिग्नल बना दूँगा, ये रेडार सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये डबल क्लिक करके सिंगल, फिर यहाँ डबल क्लिक कर दूँगा, यहाँ डबल क्लिक कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा जोड़, ठीक है। इसके बाद मैं उसको कर दूँगा कंट्रोल क्यों, कंट्रोल क्यों करने के बाद शेप टूल लेकर और इसको यहाँ से क्लिक कर दे और यहाँ ये कर दे और फिर इसको यहाँ क्लिक कर दे और ये करो शेप लेकर और इसको बिल्कुल बाल की तरह कर दे, ठीक है। अब ये सिग्नल मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा और इसको मैं कलर दे दूंगा पिंक, ठीक है। इसको मैं पेज डाउन कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आऊँगा। इसके बाद मैं इसकी कॉपी लेकर और हॉरिजॉन्टली इसको घुमा दूँ और शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है। इसके बाद अब इसकी बाकी एरिया, अब इसकी मैं ये बॉडी बना रहा हूँ, तो बॉडी आप कैसे बनाओगे, यहाँ बनाकर और इसकी शिफ्ट के साथ सेंटर कर दे, सेंटर करने के बाद थोड़ा सा नीचे कर दे और कम कर दे, ठीक। इसको मैं फिलहाल येलो कलर दे दूंगा और इसको मैं कर दूंगा पेज शिफ्ट डाउन, ठीक है। अब मैं इस हेड को फिलहाल ग्रुप कर दूंगा ताकि डिस्टर्बिंग पैदा ना हो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये जो ब्लैक शेड नज़र आ रहे हैं, इसको अब मैं आसान तरीके से आपको बता दूंगा। आप एक सर्कल ड्रा कर दें, सर्कल ड्रा करने के बाद आप इसके कॉपी ले लें और स्मार्ट पिल टूल से इसको यहाँ एक कॉपी लगा दें, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और यहाँ ये थोड़ा सा मैं ऊपर करके और स्मार्ट पिल टूल से यहाँ स्मार्ट पिल टूल से यहाँ भी मैं एक शेड लगा दूंगा, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत ख़त्म। अब मैं एक और सर्कल ट्राई कर रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। स्मार्ट पिल टूल लेकर और यहाँ से ये एरिया भी ले ले। अब इसके बाद ये वाला जगह, तो ये यहाँ से लेके आए और यहाँ पर इतना सा कर दे ताकि, और इसको मैं नीचे करके और स्मार्ट पिल टूल से इसको भी मैं यहाँ एक कॉपी ले लूँगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँगा और इस शिफ्ट सारे शिफ्ट के साथ लेकर और इसको कर दे आप कलर ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन इसकी कर दे आउटलाइन और इसको कर दे वन, ठीक है। और इसको भी मैं ब्राउन के साथ और इसकी भी मैं आउटलाइन कर दूंगा इसकी बॉडी की और इसको भी मैं डेड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी बना लूंगा पहले लेग्स, ठीक है। तो लेग्स के लिए क्या करना है कि यहाँ क्लिक कर दे, यहाँ पर डबल क्लिक कर दे, फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर दे, यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दे, सॉरी मैंने सिंगल क्लिक, फिर यहाँ पर आप खैर रब सा कर दे, फिर बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके आप कर दे कलर ब्राउन, ठीक है। अब मैं उसको कर दूंगा छोटा, आप डबल क्लिक कर दें, इसको यहाँ से लेके जाए, यहाँ से उसको छोटा कर दे, यहाँ से भी उसको छोटा कर दे और यहाँ से भी छोटा कर दे, ठीक है। अब इसके आउटलाइन में कर दूंगा ख़त्म और इसको पे शिप डाउन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा लेग्स, अब मैं यहाँ से डबल क्लिक सिंगल क्लिक करके यहाँ पर लेके आऊँगा, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दे, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर डबल क्लिक और यहाँ पर सिंगल क्लिक,
ये मैं ब्राउन कलर करके इसकी आउटलाइन में ख़त्म कर दूंगा। इसको भी आप छोटा बड़ा और साइज़ में कम बड़ा कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दें और ये भी आपके हिसाब से बन गया। इसको भी शिप पेज में डाउन कर दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों को शिप से साथ कर दें और इसको कर दें कॉपी, यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल क्लिक कर दें और यहाँ पर लेके आए और शिप पेज डाउन के साथ डाउन कर दें, ठीक है। इसके बाद अब इस लिख क्या नंबर है, यहाँ पर आप डबल सिंगल क्लिक कर दें, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, अच्छा ये हो गया। इसको मैं बेयर ब्राउन कलर दे दूंगा, इसकी आउटलाइन में ख़त्म कर दूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा कि इसको अब मैं अपने हिसाब से सेट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको शिप पेज डाउन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर कॉपी ले लूँगा और शिप पेज डाउन करके। अब इसके बाद इसके अब ये पर जो ट्रांसपेरेंसी है तो मैं यहाँ से ये लेकर डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके और यहाँ पर कर दे, आप उसको कर दे कंट्रोल क्यों करो और शेप टूल लेकर यहाँ से ये आप डिलीट कर दें। यहाँ पर आप करो शेप लेकर और इसको यहाँ पर आप कर दे। अब मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा, इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। अब इसको मैं भी डिलीट कर दूँगा, डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अब उसमें थोड़ी सी उस्ताजी करनी है, ठीक है। अब ये बन गया। अब उसके साथ अब क्या करना है, उसको मैं ब्लू कलर दे दूंगा, ठीक है। इसकी आउटलाइन में ख़त्म कर दूंगा और ट्रांसपेरेंसी टूल्स लेकर और इसको यहाँ से आप ड्रैग कर दे ताकि ये ट्रांसपेरेंसी में बॉडी नज़र आ जाए, ठीक है। यहाँ उसको मैं थोड़ा सा कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा, ठीक। अब इसमें ये शेड है, शेड आसान तरीका है। आप कॉपी ले ले, यहाँ पर एक कॉपी ले ले और यहाँ पर एक कॉपी ले ले और इसको यहाँ से बारीक और यहाँ से मोटा कर दे और स्मार्ट पिल टूल लेकर और दरमियानी वाली हिस्से को आप क्लिक कर दे, इसको कर दे आप यहाँ लेके आए और इसको कर दे वाइट और इसकी आउटलाइन कर दे ख़त्म, ठीक है। अब उसके साथ थोड़ा सा करो वाला काम बाकी है, इसको आप डबल क्लिक कर दें शेप टूल लेकर कंट्रोल क्यों कर दें, आप डबल क्लिक कर दें और इस एरिया को थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा और इसको भी डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर एक डॉट लगा दें और यहाँ पर एक डॉट लगा दें और यहाँ पर भी एक डॉट ऐड कर दें, और इसको आप नीचे लेके आए और इसको कर दे क्रॉस,
इसको भी आप डिलीट कर दें। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पर आप कर दे कॉपी और इसको कर दे छोटा। छोटा करने के बाद आप उसको हल्का सा ब्लैक शेड सा दे दे। ठीक, अब इस पर को आप यहाँ से ये डिलीट कर दें और इसको यहाँ से थोड़ा सी पसली पर लेके आए। अब मैं इसको शिप, इसको और शिप पर को कंट्रोल ग्रुप कर दूंगा और कॉपी करके और इसको हॉरिजॉन्टली बुलाऊं और यहाँ पर इसको भी लगा दूंगा। अब आप देखिए गौर से कि इस पैर में थोड़ी सी शेडिंग है। अब ये शेडिंग हम कैसे करेंगे, पैर को क्लिक कर दें लेग को और यहाँ से ये आप मेश पिल टूल लेकर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर दे, यहाँ पर डबल कर दे और यहाँ पर आप ये नुक्ता सेलेक्ट कर दे और वाइट कर दे, ये भी सेलेक्ट कर दे और वाइट कर दे, यहाँ पर भी डबल क्लिक कर दे और वाइट कर दे, यहाँ पर डबल कर दे और वाइट कर दे। इसी तरह इसमें एक शेड सा नज़र आ जाएगा। इसी तरह इसको भी मैश पिल टूल लेकर यहाँ डबल क्लिक कर दें, वाइट कर दें, यहाँ डबल क्लिक कर दें, यहाँ डबल क्लिक कर दें और वाइट कर दें। इसी तरह इस लिक को, इसी तरह इसको डबल क्लिक के साथ इसमें नोट नज़र आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह डबल क्लिक कर दें और इसको सेलेक्ट कर दें और वाइट कर दें। ठीक, तो इसमें एम्बॉस टाइप का आ जाएगा। इसी तरह इसको भी डबल क्लिक कर दें और मेश टूल से आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, यहाँ पर डबल क्लिक कर दें और कलर साथ साथ चेंज कर दिया करें। ठीक, तो इसी तरह ये मक्की आपके हिसाब से तैयार हो चुकी है। क्योंकि ये ट्यूटोरियल है, अगर मैं बहुत लंबा चौड़ा हिसाब से जाऊंगा तो ये काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन बहरहाल मैंने सरसरी आपके लिए बना दिया। तो ये अगर आपको ये शर्ट कम नज़र आ रहा है तो वही ट्रांसपेरेंसी पर आप क्लिक कर दे और ये एरिया को थोड़ा सा ब्लू कर दे, इसको नज़दीक कर दे और ब्लू कर दे। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल, उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।